हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? ठीक है। पोहे का स्नैक्स बनाने जा रहे हैं, वो भी चाय के साथ आप पी सकते खा सकते हैं। ओके, इसके लिए चाहिए इंग्रेडिएंट्स, पोहा चाहिए। ये पोहा हमने लिया, 100 ग्राम पोहा है और 2 छोटा प्याज है कट कर करे का, और करी पत्ता है, 2 हरी मिर्ची है, 1 आलू है। हम इसमें और ऐड किया अभी कुटी हुई लाल मिर्ची और थोड़ा कलौंजी और नमक टेस्ट के हिसाब से, और ये पोहा हमने 15 मिनट भिगा कर रखेगा। हमने ये सब चीज़ पोहा के साथ 15 मिनट मिक्स करके रखेगा, उसके बाद ही इसका काम। प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, प्लीज डोंट फॉरगेट बेल आइकन। हैव अ नाइस डे, लेट अस स्टार्ट नाउ। अभी हम सब मिक्स करके एक साथ में मिक्स करके रखेगा, पोहा और आलू प्याज सब एक साथ में मिक्स करके रखेगा 15 मिनट। ये देखो, इसको हम ऐसे अभी सब मिक्स करके रखा, हम एक 15-20 मिनट तक ऐसे रखने का, क्यों पोहा जरा खोलने का। और आपको इसमें मानते तो फूड कलर और हल्दी कलर के लिए कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ भी नहीं किया, हमको ऐसे ही बनाने का। हमने सब मिक्स करके रखा था, पोहा और मिर्ची वगैरह सब मिक्स करके रखा था। अभी इसको हमने ऐसे बनाया, अभी इसको फ्राई करेगा। इसको बोलते हैं पोहा वड़ा बनाने जा रहे हैं। इंग्रेडिएंट सब आपको हम दिखाया पहले। ओके, प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज बेल आइकन, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, सपोर्ट मी प्लीज। अभी हमने कढ़ाई रखा, कढ़ाई में तेल है ऑलरेडी। अभी तेल गर्म हो गया, तेल गर्म होकर इसमें हम एक एक करके डाल रहे हैं। एक एक करके सब इसमें डाल दिए तेल में। यह भी मीडियम फ्लेम में है, स्लो पे नहीं रखने का। स्लो पे रखेगा तो स्लो फ्लेम में रखेगा तो तेल ज्यादा पकड़ेगा। इसको जब तक थोड़ा लाल कलर आने तक इसको हाथ नहीं लगाने का। अगर आप हाथ लगाएगा तो मीन्स चलाएगा तो टूट जाएगा वो। ये तैयार हो रहा है, मीडियम फ्लेम में रखे तैयार करने का। अभी मीडियम फ्लेम में है ये देखो, ये अभी थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो रहा है। इसमें हम कलर कुछ भी ऐड नहीं किया, मीन्स हम हल्दी नहीं डाला, मिर्ची नहीं डाला, फूड कलर कुछ भी नहीं डाला, ये ऐसे ही रहेगा कलर इसका। हाँ, सिर्फ कुट्टी लाल मिर्ची हम ऐड किया, लेकिन जो कश्मीरी मिर्ची वगैरह कलर कुछ भी नहीं इसमें ऐड नहीं किया, और हल्दी भी कुछ भी नहीं किया। अगर आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं कलर के लिए। खाली कुट्टी हुई मिर्ची हमने ऐड किया, ये गरम गरम खाने का, क्रिस्पी है ये। अभी हमारा पोहे का वड़ा तैयार हो गया। ये आपको टमाटर सॉस के साथ खा सकते हैं, ये क्रिस्पी है, गरम गरम खाने का, इट्स यम्मी रियली। आप बना के देखो, खा के देखो, कमेंट्स में बोलो, इट्स वेरी यम्मी। आप ट्राई करो, कमेंट्स में बोलो हमको कैसा लग रहा है प्लीज। ओके, हैव अ नाइस डे, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट प्लीज। Have a nice day. God bless you and God bless us. See you soon. Allah Hafiz.
ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू।